दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय जीसस इंडिया टायर सॉल्यूशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए केंद्र से लगभग 11 करोड़ रुपए मिले हैं। इस मेगा इवेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर हिमाचल के मित्रों को सुरक्षित करने और हिमाचली लोगों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर मीट की सफलता के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी निवेश पॉलिसीज में भी बड़ा परिवर्तन किया है। इसके तहत औद्योगिक पॉलिसी 2019, पर्यटन पॉलिसी, आयुष पॉलिसी, पावर पॉलिसी, आईटी पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी 2019 बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बाहर से आने वाले निवेशकों के साथ साथ हिमाचल में पूर्व में चल रहे पर्यटन व अन्य उद्योगों के लिए भी काम करेगी। इस इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इन्वेस्टर मीट के दौरान कुल 8 सत्र रहेंगे। इस मीट में 82,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। उन्होंने कहा कि अकेले पर्यटन क्षेत्र में ही निवेशक 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, जबकि पावर सेक्टर, हाउसिंग, उद्योग सहित अन्य सेक्टरों में भी हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि MOU एक संभावित प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार हो रहे प्रयास के दौरान यदि कोई निवेशक छूट भी जाता है या कोई क्षेत्र भी छूट जाता है तो भविष्य में वहां तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए हिमाचल हित सर्वोपरि है, इसे किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष को बेवजह शोर मचाने के बजाय सरकार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। एक नया कार्य, एक नया इवेंट हिमाचल प्रदेश है वो करने जा रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक नए विजन के साथ हम लोगों ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन 7 और 8 तारीख को नवंबर को यहाँ धर्मशाला में तय किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन में आ रहे हैं इस काम को शुरू करने के लिए। और उसके बाद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस इवेंट को समापन करने के लिए आ रहे हैं। ये इवेंट अपनी तरह का पहला इवेंट हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जिस बात की भी प्रसन्नता है कि एक अच्छा रुझान हमने इन्वेस्टर्स का इसमें देखा है और पूरे देश भर से और देश के बाहर से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के आने की संभावना हिमाचल प्रदेश में हमको लग रही है। अभी तक तो हमारे पास MOUs साइन हुए और MOUs का अभिप्राय ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ गया, वो उस दिशा में एक संभावित एक आंकड़ा होता है। उसमें लगभग 82,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की संभावना हम देख रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 200 डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि पूरे देश भर से बहुत नामी ग्रामी लोग, इस प्रकार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो आ करके यहाँ इसमें हिमाचल प्रदेश के सीमेंट में भाग लेने के लिए तो बहुत बड़ी एक उम्मीद है। और मैं सकता हूँ उम्मीद के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और एक शुरुआत है ये और आने वाले समय में इस काम को जारी रखना चाहिए क्योंकि रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं इसमें विद्यमान है और हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। हिमाचल में पहली बार इस तरह की बड़ी शुरुआत हुई है, यहाँ जो स्थापित उद्योग हैं, चाहे टूरिज्म में हैं, चाहे दूसरे हैं, उन लोगों को भी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो उनको कैसे देख रहे हैं सर, किस तरह से उनको जो है वो बेहतर या जल्द उनके लिए? मैं इस बात के लिए मानता हूँ कि समय हर चीज़ के लिए लगता है और लेकिन कुछ नए इनिशिएटिव हमने जो पॉलिसी के माध्यम से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से जो हमने करने की कोशिश की, उसके रुझान, उसका जो है परिणाम अच्छा दिखने को हमको मिला है और उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हुई है और इन्वेस्टमेंट पे लोग आ रहे हैं। सर, कितने इन्वेस्टमेंट को लेकर के केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता भी? मुझे ये भी खुशी है कि अभी तक तो हमको लगभग 11 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार से मिले, 10 करोड़ जो है हमको पीयूष गोयल जी के माध्यम से और एक टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश इस समिट को ऑर्गेनाइज करने की मदद। सर, इन्वेस्टर मीट के लिए धर्मशाला ही क्यों चुना गया, इसके पीछे कोई वजह? धर्मशाला हमारे प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और मुझे इस बात की खुशी है कि धर्मशाला में एक साल में 2 बार प्रधानमंत्री ने हमारी बड़ी खुशी की और ये इवेंट ऐतिहासिक इवेंट जो है यहाँ धर्मशाला
में होने जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के विकास में तो योगदान रहेगा, लेकिन हिमाचल को और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो है एक अलग पहचान मिली। ऐसा देखिए, हम पैकेज के लिए बहुत ज़्यादा आग्रही नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बातें केंद्र से मदद के रूप में जिस रूप में रखी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए धर्मशाला से ब्यूरो चीफ पवन शर्मा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। अरे क्या हुआ भाई साहब, पंक्चर हो गया? ना सुनसान रास्तों का डर, ना लेट होने की चिंता। अगर पहले से आपने टायर में लगवाया होता जीसस इंडिया टायर सॉल्यूशन, तो फिर ये परेशानी ना होती। इसलिए तो समझदार लोग जीसस इंडिया टायर सॉल्यूशन लगवा रहे हैं। टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, बस या ट्रक, एक बार टायर में जीसस इंडिया टायर सॉल्यूशन लगवाएं और पंक्चर होने से आजादी पाएं। याद रखें, जीसस इंडिया टायर सॉल्यूशन है तो नो पंक्चर, चलो बेफिक्र। अपनी गाड़ी के टायर की लंबी उम्र के लिए आज ही संपर्क करें जीसस इंडिया टायर सॉल्यूशन, नेशनल हाईवे 154 45 मील, शाहपुर, जिला कांगड़ा,